इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने जितने भी डिलीटेड आइटम्स होते हैं, वीडियोस, MP3, सॉफ्टवेयर्स, एप्स और ड्राइवर्स वगैरह, अगर हम डिलीट कर देते हैं तो उसको रिसाइकल बीन के अंदर से कैसे रिकवर कर सकते हैं हम, ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए जो है हमें यहाँ पर एक ऑफिशियली ऐप मिलता है, यहाँ पर रिसाइकल बीन, इसको खोल लेना होगा। खोलने के बाद यहाँ पर आपकी कुछ वीडियोस वगैरह आ जाती हैं डेट बाय डेट, जब आप इसको डिलीट करते हैं या आप किस टाइम डिलीट करते हैं तो सब यहाँ पर आपके सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप जो भी फोल्डर्स डिलीट करते हैं सब यहाँ पर आपके सामने आ जाते हैं। अब जैसे इनको एक आधे को रिस्टोर करना हुआ या सबको रिस्टोर करना हुआ तो सबको एक साथ इनको ले लीजिए पहले, या हमें अभी तीन को ही लेना है यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे इनको रिस्टोर करेंगे ये जो है आपके जहाँ से डिलीट हुई है वहाँ पर चली जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है इसको भेजने का, रिकवर करने का, रिस्टोर करने का। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रिसाइकल बिन में से हम इसको इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं।